हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओटोरिया के बारे में। जैसे हम कान बहना कहते हैं तो कान क्यों बहता है वो बताऊंगी मैं आपको, साथ में बताऊंगी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है जिससे आपका कान बहना पूरी तरह से ठीक हो जाए, साथ में क्या सिम्टम्स नजर आते हैं और कितनी दिक्कत होती है पेशेंट को वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब किसी व्यक्ति के कान से अलग अलग तरह का लिक्विड पार्ट निकले, पानी जैसा चिपचिपा गाढ़ा एक द्रव्य निकले, इसका जो कलर है अलग अलग और इसमें से बहुत गंदी स्मेल आए, जिसे हम कान बहना बोलते हैं। कान बहने के कुछ कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण कान बहना देखा जाता है, या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होने के कारण भी कान बहना देखा जाता है, या फिर कान के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, नर्व की डैमेज हो जाती है जिसके कारण भी कान बहना देखा जाता है, या फिर कोई बोन डैमेज हो जाती है, कान का पर्दा फट जाता है, इसके कारण कान बहना देखा जाता है। सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट में जब पेशेंट का कान बहता है, तो जब पेशेंट का कान बहता है तो उस कान से लिक्विड पार्ट निकलता है, ये जो लिक्विड पार्ट रहता है अलग अलग कलर का देखने को मिलता है, ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, या फिर रेडिश कलर का देखने को मिलता है, या फिर मिल्की वाइट कलर का देखने को मिलता है, अलग अलग कलर के देखने को मिलते हैं, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, पस का फॉर्मेशन होता है, बहुत दिक्कत होती है पेशेंट को सुनना बंद हो जाता है, अच्छे से सुनाई नहीं देता जब भी लिक्विड पार्ट निकलता है पेशेंट के कान से, साथ में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, दर्द के साथ जलन भी रहती है, स्वेलिंग भी रहती है, ये कंटिन्यू बनी रहती है, इस कारण से पेशेंट को फीवर आ जाता है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत भूख पूरी तरह से चली जाती है, बॉडी की और जो एक्टिविटी है पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पूरे कान में रेडनेस देखने को मिलती है, इस तरह के और भी बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं पेशेंट की बॉडी में। जैसे कान में पेन होता है, ये लिक्विड पार्ट निकलता है तो पेशेंट खाना सही से नहीं खा पाता है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक होती जाती है, जैसे और अन्य डिसीज भी उसको डेवलप हो सकती है। आपको कान बहने की बीमारी काफ़ी सालों से है, ओटोरिया की प्रॉब्लम काफ़ी सालों से है, आप मेडिसिन लेते हैं ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर आपको कान बहना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको परमानेंट ठीक करने के लिए मैं आपको एक ड्रॉप बताने वाली हूँ। आपका नाम है REPL कंपनी का है, इस ड्रॉप का नंबर है 75, ओटोरिया ड्रॉप है ये, इसको आपको लेना है दिन में 3 बार, मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट में 20-20 बूंद लेना है, जो पानी होगा हल्का गुनगुना होगा उसमें 20 बूंद डालिएगा, अच्छे से मिक्स करके पी लीजिएगा आधे कप पानी में, इसको कंटिन्यू रखना है। साथ में एक मेडिसिन और आपको लेनी है, सुपर सल्फ ये लेना है आपको 30 पोटेंसी में, इसको 2 बार लेना है, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप और नाइट में 2 ड्रॉप लेना है और कंटिन्यू रखना है। कान बह रहा है काफ़ी टाइम हो गया है तो बहना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।